हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमें पता है काइनेमेटिक इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। इस केस में जो s है और ये एक इक्वेशन हमें पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस टॉइस as, इन दोनों इक्वेशन में जो s यूज किया है इट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट एंड नॉट अ डिस्टेंस। ओके, ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। और इनकी जो वैल्यूज होती है ये डिफरेंट होती है जब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये अपोजिट हो एक दूसरे के या फिर एंटी पैरेलल हो। ओके, तो ये वैल्यू किस तरह से वैरी होती है यही हम लोग यहां पे पढ़ने वाले। तो हम लोग यहां पे दो केसेस कंसीडर करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट केस वन, सॉरी इट इज केस वन। तो इस केस में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन यू इज आइदर जीरो, मतलब यहां पे लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू जीरो और यू इज पैरेलल टू ए। ये मैंने सिंबॉलिकली लिखा है, सेंटेंस ना लिखते हुए। तो अगर u इनिशियली अगर जीरो है या फिर u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ये पैरेलल है एक्सेलरेशन को, तो इस केस में क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी इक्वल होते हैं। कैसे, चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे कि समझो ये ग्राउंड लेवल है और एक पर्टिकुलर हाइट से मैं एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हूं। अब रिलीज कर रहा हूं इसका मतलब क्या होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जीरो, तो ये होगी पहला क्राइटेरिया। या फिर जब ये मोशन में रहेगा, समझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल के बाद ये मोशन में आ गया, तो इस केस में इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मूव हो रहा है हमें पता है जी जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, तो इस केस में ये पैरेलल हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव होगा और ये स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। सो वी कैन राइट हियर distance that is nothing but displacement which is equals to u plus half a t square। तो ये रहेगा ये condition कि जिस केस में distance और displacement same होता है, तो ये हमें याद रखना होता है। okay, now next case 2। इस केस में अगर u ये anti parallel है a के साथ, a मतलब यहां पे acceleration, तो इस केस में क्या होता है कि फर्स्ट जो मोशन है वो रिटार्डेड मोशन होती है एंड इट बिकम एक्सेलरेटेड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये कैसे है, चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल है, अगर कोई स्टोन मैं यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में अगर थ्रो करता हूं तो इस केस में क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी और जी जो है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, क्योंकि पता है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ही टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ या फिर टुवर्ड द सेंटर होता है, तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। मतलब इस केस में U और A ये दोनों एक दूसरे को क्या है, एंटी पैरेलल है, राइट। तो इस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस जो है एक तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, मतलब D विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे क्योंकि ये यहां पर निगेटिव भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो कब ये डिस्टेंस इक्वल टू होगा और कब ये ग्रेटर होगा ये हम लोग यहां पे फाइंड करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहां पे फाइंड करना पड़ेगा टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो चलो नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो जैसे हमने कहा था कि इनिशियली ऑब्जेक्ट को मैं अगर यहां से थ्रो करता हूं एंड इफ यू कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप टू दिस डिस्टेंस, इसको हम लोग यहां पे एच कंसिडर कर लेते हैं। तो ये अगर इस डिस्टेंस तक मूव हो रहा है या फिर इस हाइट तक जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगा। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। हियर इट इज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओके, सो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ अगर वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक गया तो उस हाइट को हम लोग मैक्सिमम कब बोलेंगे, जब उस हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। क्योंकि समझो अगर यहां पे वेलोसिटी जीरो अगर नहीं होती है, इट इज फाइनल वेलोसिटी, तो क्या होगा पार्टिकल इससे भी ऊपर जाएगा। अब अगर पार्टिकल इससे ऊपर नहीं जा रहा है इसका मतलब वो मैक्सिमम हाइट हो गई, और पार्टिकल फिर से ऊपर नहीं जा रहा मतलब फाइनल जो वेलोसिटी है वो जीरो है। सो वी कैन राइट हियर इट इज जीरो, राइट। यू यहां पे एक्सेलरेशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा,
अंडर ग्रेविटी मतलब जी डाउनवर्ड, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर जी डाउनवर्ड है तो हम लोग इसको निगेटिव लेंगे जी टी, इसको मैं टी नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा. टी नॉट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट. तो ओके ना, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे जी टी नॉट इक्वल्स टू यू, तो टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी यू बाय जी. और इसको हमें मॉड में लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर कभी अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हैं और उसके इसमें हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि ऑलरेडी हमने माइनस साइन पुट किया था, तो डबल माइनस साइन पुट करेंगे तो टाइम जो है वो निगेटिव आ जाएगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ये जरूरी है. सो रिमेंबर टी नॉट इज अ टाइम विच इज इक्वल्स टू यू बाय जी, इट इज अ टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट. सो यहां पे भी हम लोग तीन केसेस पढ़ने वाले हैं. अगर टी इज लेस देन टी नॉट, व्हाट इज टी एंड व्हाट इज टी नॉट. टी नॉट अभी हमने पढ़ा कि इट इज अ टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, राइट. समझो ये अगर ए पोजीशन होती और ये बी पोजीशन, तो बी पोजीशन तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हमने टी नॉट लिया है. तो अब अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूं और जो टाइम ऑफ कैलकुलेशन है अगर वो लेस देन टी नॉट है, मतलब ये इस तरह से, जैसे हमने कहा कि यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना था, टी नॉट था. अब अगर टी इज लेस देन टी नॉट, इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल अभी तक हाईएस्ट पोजिशन तक नहीं गया, इट इज स्टिल इन मोशन. बट अगर वो पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो डेफिनेटली वो रैंडमली तो नहीं जाने वाला है, इस तरह से नहीं जाएगा, वो सीधा ही जाएगा. और सीधा ही जा रहा है इसका मतलब क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में है, और इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, फिर से सेम रहेगा. मतलब यहां पे भी लिख सकता हूं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इसी फॉर्मूले से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ये हो गया हमारी फर्स्ट केस. नाउ सेकंड केस बी, अगर टाइम टी ये इक्वल्स टू टी नॉट हुआ तो मतलब मुझे जो कैलकुलेशन करना है, मुझे जो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस चेक करना है, वो उस टाइम के लिए है जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया. तो अगर पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक अगर पहुंच जाता है, तो मैक्सिमम हाइट मतलब यहां तक, ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, देन ऑल्सो इट इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट डायरेक्शन. मतलब ये यहां तक पहुंच गया है, बट उसने जो पाथ ट्रैवल किया था वो क्या था, स्ट्रेट लाइन पाथ था. और अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ था, इसका मतलब इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, इट इज हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम रहेगी. नाउ थर्ड केस देखते हैं यहां पे हम लोग. नाउ केस थर्ड या फिर सी, कि इफ टी इज ग्रेटर देन टी नॉट. अब अगर टी जो है वो टी नॉट से ग्रेटर है, रिमेंबर टी नॉट मतलब यहां क्या होता है, टाइम ऑफ कैलकुलेशन, कि मैं कैलकुलेशन कब फाइंड कर रहा हूं, कब डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं. तो अब अगर ये पार्टिकल यहां से अगर इस पॉइंट तक गया है, तो इसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए लगा था टी नॉट टाइम, फिर बचे हुए टाइम में क्या होगा, वो वापस आएगा. तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि यहां से ये वापस आ गया यहां तक, समझो इस पॉइंट तक पहुंच गया, राइट. तो अब इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट रहेगा. डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस विल बी दिस वन. मैं यहां पे देखो ये रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये इतना रहेगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, ये जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से. मतलब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होता है. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय सेम फॉर्मूला, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बट डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डी वन प्लस डी टू. डी वन मतलब कौन सा, तो यहां से यहां तक का पार्ट, लेट्स से इट इज डी वन, और डी टू जो पार्ट रहेगा वो ये रहेगा यहां से यहां तक का. तो पहले हमें डी वन फाइन करना है, देन डी टू. सो वी डिफाइन दिस वैल्यूज, डी वन और डी टू को पहले डिफाइन कर लेते कि क्या है ये. डी वन क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट. ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने के पहले वाला डिस्टेंस. तो समझो हम लोग डी वन ही अभी यहां पे कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस वाला. ओके, तो जब वो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक गया, तो हाईएस्ट पॉइंट में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी यू, और वो अंडर ग्रेविटी मूव हो रहा है, और हमें पता है जी इज ऑलवेज निगेटिव. तो इस केस में हम लोग इसको जी और एस को यहां पे हम लोग एस ही रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एस,
या फिर जैसे हमने कहा था कि डिस्टेंस हम लोग फाइंड करने वाले हैं, तो डिस्टेंस के लिए मैं इसको d1 बोल दूंगा, दैट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये हो जाएगा 2g d1 इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो d1 कितना आ गया यहाँ पे, u स्क्वायर बाय 2g। इसको भी हम लोग मॉड में लिखेंगे, क्योंकि अगर गलती से g की वैल्यू माइनस लिख दी तो d1 ये नेगेटिव हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे लिए d1। नाउ d2 कैसे आएगा, या फिर d2 हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे d2 क्या है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रिमेनिंग टाइम। अब रिमेनिंग टाइम मतलब कितना टाइम, देखो टोटल टाइम कितना था, टी था, उसमें से टी नॉट खत्म हो गया क्योंकि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक जा चुका है, राइट। तो अगर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट तक जा चुका है और टी नॉट इतना टाइम खत्म हो गया, तो रिमेनिंग टाइम कितना होगा, दैट विल बी टी माइनस टी नॉट, इतना रहेगा रिमेनिंग टाइम। एक एग्जांपल हम लोग लेकर समझते तो और जल्दी क्लियर हो जाएगा। समझो ये जो टी है, मैं यहाँ पे देखो अलग से सॉल्व करता हूँ, समझो टी जो है वो 20 है और ये है 15। तो 15 मतलब क्या, टी नॉट, ये क्या हो गया टी। तो पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, टी नॉट मतलब 15 सेकंड, ये सेकंड में हम लोग ले रहे हैं, तो बचा कितना टाइम, 5 सेकंड। तो वो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, d2। तो वही हमें अपने फाइंड करना है कि रिमेनिंग जो 5 सेकंड हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर जो एग्जांपल लिया था, उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे दिस काइनेमेटिक इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s मतलब क्या भी, डिस्टेंस d2। जब वो पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर चला गया था, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे आ चुका है और यहां से ये वापस आना स्टार्ट कर रहा है, तो इस पोजीशन पर, इस लेवल पर जो इसकी वेलोसिटी रहेगी, दैट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस मोशन, दिस डाउनवर्ड मोशन, राइट। अपवर्ड मोशन के लिए ये थी फाइनल वेलोसिटी, ये मतलब हाईएस्ट पॉइंट की, और जब वो नीचे आ रहा है तो वो जो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि वो वहां पर रेस्ट में आ चुका था, राइट। उसके बाद प्लस हाफ, अब यहां पे देखो ये जो a है, दैट इज एक्सेलरेशन, जो माइनस रहेगा t स्क्वायर, लेकिन एट द सेम टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल है, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट, वो कहां हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड मोशन इज ऑलवेज नेगेटिव, अपवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये यहां पे होगा माइनस ऑफ d2 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस कैंसिल, जो d2 की वैल्यू हो जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। बट यहां पे एक और मैं चेंजेस करना चाहूंगा, क्योंकि t ये जो था वो टोटल टाइम था और हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं रिमेनिंग टाइम के लिए। तो यहां का अगर टाइम t नॉट है, तो ये टाइम कितना है, t माइनस t नॉट, बचा हुआ टाइम। तो यहां पे आएगा t माइनस t नॉट स्क्वायर, सो इट इज t माइनस t नॉट स्क्वायर रहेगा। ओके, सो हियर अगेन t माइनस t नॉट स्क्वायर, और इसको भी हम लोग मॉड में लिखेंगे। हाफ तो कांस्टेंट है, वहां पे प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं होता है, सॉरी मतलब यहाँ पे हाफ जो रहेगा वो हाफ ही रहेगा, उसको माइनस नहीं लिखेंगे। जी अगर हम लोग गलती से निगेटिव लिख लेते हैं तो ये मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डी वन प्लस डी टू। सो डी वन की वैल्यू हमने फाइंड की थी यू स्क्वायर बाय टू जी, राइट, और प्लस हाफ जी टी माइनस टी नॉट। तो यहां पे इस केस में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।